दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग मोबाइल के ऊपर बैटरी सेविंग ट्रिक के बारे में। अगर आप कोई भी सैमसंग का फ़ोन चलाते हैं, चाहे A50 सीरीज का हो या M सीरीज का कोई भी मोबाइल हो, अगर आप अपने सैमसंग मोबाइल के अंदर बैटरी को लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हैं, एक तो लाइफ में भी ज़्यादा और ऊपर से आपके बैटरी बैकअप भी आप दोगुना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन का काफ़ी टाइम हो गया, सालों हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं 10 घंटे का तो मुझे ये मिला बैकअप, उसके बावजूद ये मुझे 68% मेरा अभी भी है। और वहाँ पर देखेंगे ए फुल चार्ज विल लास्ट अबाउट 15 आवर, 15 घंटे अभी मेरा और ये बैटरी बैकअप चलेगा 68%। तो मैं इतना एक्सट्रीम लेवल पे मैं बैटरी बैकअप में कैसे चार्ज कर पा रहा हूँ, मैं कैसे अपना इतना टिक रहा है मेरा बैटरी, आपको डिटेल से पता चलेगा। और आप भी कोई भी सैमसंग मोबाइल का यूज़ करते हैं ना, तो आपका जो बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसको आप ठीक कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को। तो या बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा अपने मोबाइल का नाम। ठीक है, कमेंट में लिख देना है अपने मोबाइल का नाम, जो भी मॉडल आपके पास है। ओके, बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाइएगा और ये 3-4 इतने इंपॉर्टेंट सेटिंग है ना, हर किसी को पता होना चाहिए। चाहे आप जो भी सैमसंग का फ़ोन यूज़ करो, चाहे आपके पास 10,000 का हो या 20,000 का हो या 30,000 का। देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे सेटिंग में जाने के बाद तो आपको दिखेगा बैटरी, बैटरी पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको दिखेगा पहले तो ये प्रोटेक्ट बैटरी। प्रोटेक्ट बैटरी अगर 15,000 से नीचे का आपके पास अगर फ़ोन है ना, प्रोटेक्ट बैटरी आपके फ़ोन में नहीं मिलेगा। प्रोटेक्ट बैटरी में होता ये है कि आप जब बैटरी को चार्ज करोगे ना, 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, 85% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। जब आप इसे अब पूरा रात भी आप चार्ज में लगा दोगे ना, तो ये बैटरी आगे नहीं बढ़ेगा। इससे दो फायदा होता है, एक तो चलो कि बैटरी आपका बैटरी लाइफ इससे बढ़ता है, 100% हो के ना वो बैटरी लाइफ कम होता है, जितना टाइम बीतते जाएगा ना, 1-1.5 साल बैटरी लाइफ कम होता है। लेकिन जब ये हमेशा चालू करके रखोगे ना, आपके बैटरी लाइफ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 100% टच ही नहीं कर पाता है। आपको इसका बहुत सारा, इसका अगर अच्छे से डिटेल जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। बस इतना समझ लीजिए इससे बहुत फ़ायदा है। इसको मैं एक सलाह दूंगा, जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, ट्रैवल करने जा रहे हो, तो इसको बंद कर दीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए एक सप्ताह के लिए आप घूमने के लिए निकलते हैं, तो ये 15% बैटरी जो ज़्यादा चार्ज होगा ना, इससे आपको फ़ायदा होगा, ये 100% तक चार्ज होगा। फिर आप ट्रिप पर से घूम के आ गए या फिर जहाँ आपको घूमने की जरूरत थी वो सब खत्म हो गया ट्रिप वगैरह, फिर इसको चालू कर दीजिए। ठीक है, बाकी मतलब इसको 6-7 दिन के लिए चालू करिए और हमेशा इसको 6-7 दिन के लिए बंद करिए, हमेशा इसको चालू रखिए। ओके, ये तो हमारा हो गया बैटरी प्रोटेक्ट करने के लिए, बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। आपका 2 साल ही पुराना फ़ोन हो जाएगा ना, बैटरी फिर भी नए जैसा बैकअप देगा ऑलमोस्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेटिंग की ओर, सबसे तगड़ा सेटिंग बैटरी सेव करने का। सैमसंग मोबाइल में ना एक तगड़ा फीचर हमें मिलता है, बैटरी यूजेज लिमिट। इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर मैजिकल फीचर मिलता है भाई, पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप। इसका मतलब आपको पता है, वैसे तो आप जानते हो इंग्लिश, तो अच्छे से आपको पता चल गया होगा। तो ये करता क्या है, इसको जब आप चालू कर देते हो ना, तो जो आपके मोबाइल के अंदर 100-200 या मेरे में तो देखो आप कितना ऐप है, मेरे ख्याल से 200 ऐप जरूर हो जाएगा, फोल्डर भी बना हुआ है बहुत सारा, गिनोगे ना 200 हो जाएगा ऐप। तो मैं इतना ज़्यादा रखता हूँ, हो सकता है आप इतना ज़्यादा ऐप नहीं रखते होगे। तो यहाँ पर होता ये है कि ये पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप होता है ना, तो इससे जो ऐप आप यूज नहीं करते हो ना, वो स्लीप मोड में चला जाता है। आपको दिखेगा तो जरूर यहाँ पे दिखेगा, लेकिन वो स्लीप मोड में चला जाता है। अभी देखोगे मेरे फोन में कितने ज़्यादा अनयूज्ड ऐप में है, डीप देखिए, नेवर स्लीपिंग ऐप, वैसे तो ये स्लीपिंग ऐप है, स्लीपिंग ऐप में इधर लगता है ये फिलहाल गया 1-2 दिन में, अमेजन ऐप, मैंने अमेजन से कोई शॉपिंग वगैरह नहीं किया इसलिए ये चला गया डीप स्लीप मोड। डीप स्लीप मोड आप देखोगे 26 ऐप है, मतलब इसको मैं 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या 3 सप्ताह से मैंने यूज नहीं किया है इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर देखोगे ये सभी यहाँ पे एप्लीकेशन है, मैंने इन सबको यूज ही नहीं किया है। तो इसका फ़ायदा यही है कि आपका ये डीप स्लीपिंग मोड जाता है ना, ये आपके बैटरी बैकअप को ज़्यादा सभी नहीं लेता है, तो इससे आपकी बैटरी सेव होते हैं ना, बहुत मायने रखता है यार, बहुत मायने रखता है। तो इसको आप हमेशा चालू रखिएगा, ठीक है।
और ये AI का भी कुछ कमाल होता है, AI समझ जाता है। हाँ, जब आप यूज़ करना शुरू कर दोगे जो ऐप को, जो अनयूज्ड ऐप में भी है वो भी चलना शुरू हो जाएगा बैकग्राउंड में। तो ये मोबाइल का कमाल है, ऑटोमेटिक AI का कमाल। चलिए, ये प्रोटेक्ट बैटरी आप चालू रखिए और ये भी आपको चालू रखना है। ये दो बहुत ही तगड़ा सेटिंग है। इसके अलावा अब मैं और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो चार्जिंग सेटिंग में, ओ चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, फास्ट चार्जिंग। और एक चीज़ और, आपका बैटरी अगर स्लो चार्ज होता है ना, तो ये 15,000 से नीचे का आपके पास फ़ोन होगा तो ये चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये फास्ट चार्जिंग जो है ना, इसको आप चालू कर दोगे ना तो इससे आपके फास्ट में बहुत ज़्यादा चार्ज होगा। तो ये चीज़ एक बात है। और इसके बावजूद हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमारे पास और ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे ये ऐप हमें यहाँ पे बताता है कौन सा ऐप हमारा ज़्यादा बैटरी खा रहा है, कौन सा ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर आप जो ऐप अगर ज़्यादा बैटरी आपका ले रहा है ना, फालतू वाला कोई ऐप, कोई हैकिंग ऐप वगैरह इंस्टॉल हो गया या कोई हैक, मतलब कोई फालतू ऐप है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। कोई हैक वगैरह कर रहा होगा ना तो आपके मोबाइल में पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम वगैरह करता है। बाकी आपका मोबाइल कोई हैक नहीं कर रहा है तो ऐसे नॉर्मली भी पता चल जाता है। अब मेरे में अगर फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता, मैं फ्लिपकार्ट को जाता, उस पर क्लिक करता, सीधा मैं इसको क्लिक कर देता। इसमें होता ये है कि ये ना डायरेक्ट फालतू के बिना वजह के अगर जो ये चलेगा, तो मैंने ये जो स्लिप में कर दिया ना, ये पुट टू स्लिप, ये ऑटोमेटिक अब ये बैकग्राउंड से हट जाएगा। अब मेरा ये बैटरी बिल्कुल कंज्यूम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब, कौन सा ऐप मेरे फ़ोन का बैटरी चूसेगा, मैं उसे स्टॉप कर चुका हूँ। चूसना मतलब होता है काइंड ऑफ ड्रेन करना, तो मैंने उसे अनयूज्ड कर दिया, मतलब बैकग्राउंड भाई। वैसे ये भी है, इंस्टाग्राम को भी अगर मैं कर दूँ तो ये भी हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। व्यू ऑल डिटेल में आपको पता चल जाता है सबसे ज़्यादा ऐप आपका कौन ज़्यादा बैटरी खाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आप इस तरीके से सेटिंग करके अपने सैमसंग मोबाइल के अंदर बैटरी बैकअप को ज़्यादा बेटर कर पाएंगे और बैटरी बैकअप को भी बढ़ा पाएंगे। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी ब्राइटनेस कभी जो होता है ना आपका, अरे यार, हाँ, कभी भी ये एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को ना चालू मत रखिएगा। इसको जब धूप में हो तभी चालू रखिए, नहीं तो इसको भी आप चालू रखोगे ना तो इससे ज़्यादा बैटरी ख़त्म हो जाता है। तो इनको बंद करके ही रखिए और ये अब मैन्युअली एडजस्ट करिए, ना ऑटो रखिए ना एक्स्ट्रा ब्राइटनेस रखिए एडेप्टिव वाला, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप ऐसे ये जो सारे सैम्स को करना है फटाक से, क्या इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट कर देना है सैमसंग मोबाइल बैटरी सेविंग ट्रिक। और मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।